नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं मर्शा आप सभी के साथ इस वक्त जुड़ा हूं। हमारे साथ यहां पर मौजूद है नील डेविड सर, और आप सभी जानते हैं कि पिछले महीने ही उन्होंने सिलीगुड़ी में प्लानेट मॉल पर अपना एक खुद का आउटलेट खोला है, और जहां पर लगातार अच्छा उनका एक रिस्पॉन्स लोगों से आ रहा है। हालांकि आप सभी जानते हैं बीते कुछ दिन पहले होली गई, और होली के समय में अपने जो बालों की जो स्थिति होती है, बालों का जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में अब नील डेविड सर यहाँ खुद हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कटिंग एक्सपर्ट्स हैं, कई तरह के उनके पास आइडियाज़ हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना क्यों इस बार होली में जो बाल डैमेज हुआ है, जिस तरीके से बाल को केयर करना चाहिए, वो केयर जो है वो किस तरीके से होगा, हम इस बारे में नील डेविड सर से ही सीधा सीधा पूछेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर आज। थैंक यू सर। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो अभी इस वक्त होली गया, होली में काफ़ी लोगों ने एकदम रंग भरे रंगों से, अलग अलग केमिकल भरे रंगों से बहुत ही अच्छे तरीके से होली खेली है। होली खेलना भी चाहिए, खेलने का एक जगह भी है। सर, इस पूरे खेल में लोग मस्ती में तो डूब जाते हैं, लेकिन जो अपने बालों का केयर होता है, बालों की जो कंडीशन होती है, उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, कैसे रिकवर होगा इस वक्त? आपने होली के बाद छेड़ी थी, तो होली तो हिंदू का एक महान पर्व होता है। ये पर्व इसलिए भी नहीं है कि हम सिर्फ कलर खेलते हैं, लेकिन जो आपने रीस राग होते हैं ना, दुश्मन को भी हम मिटा के एक रंग में डाल देते हैं कि वो रंग का कलर एक ही हो जाए, बोल के हम लोग होली खेलते हैं। तो डेफिनेटली जब इतना केमिकल हम खेलते हैं, साल में एक बार आता है, वो मनोरंजन तो अलग सा होता है, लेकिन हमें उसके साथ साथ केयर भी करना चाहिए, क्योंकि बाल एक सुंदरता देखने के लिए एक फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है ना। बाल के लिए कितने खर्च करते हैं, कितने फिल्म में गाने बालों के ऊपर तो बनाए, तो डेफिनेटली बालों के लिए आपको बहुत सही शैम्पू, सही कंडीशनर, हेयर स्पा एंड ऑयल मसाज करना चाहिए, ताकि वो रंग अंदर तक, स्काल्प तक इफेक्ट ना करें। क्योंकि अगर बाल तक रहा तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप स्काल्प में जाके रंग बैठने लग गया तो थोड़ा इचिंग होना शुरू हो जाएगा, कभी कभी आपको एलर्जी भी होना शुरू हो जाएगा। सर, कई बार देखा जाता है कि बालों को लेकर बहुत सारे लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं, अवेयर रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी जागरूकता की कमी की वजह से कई लोग अपने सुंदर से बालों को खो देते हैं, और उनकी सुंदरता में भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को लेकर आपको क्या लगता है, किस तरीके से टाइम टू टाइम केयर करना चाहिए, क्या क्या कुछ ध्यान? आजकल मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जब हमने पढ़े थे वी आर बीइंग अ मोर क्वालिफाइड हेयर स्टाइलिंग के लिए, जो हेयर के एजुकेशन करके आए थे, हमने ऑलमोस्ट 3 साल लगाए दिल्ली, थाईलैंड, सिंगापुर, लंदन तक जाके पढ़ने के लिए, और उसके साथ साथ मैं आके फिर एक्सपीरियंस के लिए मैंने दिल्ली में आके काम भी किया। लेकिन आजकल क्या होता है ना, 3 महीना ट्रेनिंग किया जी, तीसरे दिन जाके पार्लर खोल दिया, सलून खोल दिया। उन लोग को उतना एक्सपर्टाइज भी नहीं होते, उसके पास उतना नॉलेज भी नहीं होते, और वो लोग क्या देखते हैं, धड़ाधड़ पैसा आ गया, सिर्फ पैसे के लिए करने जाते हैं। लेकिन मैं हर एक हेयर स्टाइलिस्ट, हर एक ब्यूटिशियन को एक ही बात बोलता हूँ, आप कीजिए, पहले एक्सपीरियंस हो जाइए। तो आप एक्सपीरियंस होके पहले ट्रेनिंग कीजिए, उसके साथ इंटर्न्स कीजिए 1-2 साल 1.5 साल, उसके बाद आप एकदम एक्सपीरियंस हो जाएंगे, उसके बाद आप सलून खोल सकते हैं। आप अपने क्लाइंट को कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ ना करें, कितना केमिकल इफेक्ट है, आपका सब पता चलता है। सर, आजकल देखा जा रहा है कि लोग अपने बालों पर हाईलाइट कर रहे हैं, अलग अलग कलर यूज़ कर रहे हैं, कोई लाल कर रहा है, कोई नीला कर रहा है, कोई पीला कर रहा है, कोई पिंक भी कर रहा है, तो ये एक ट्रेंड है, एक अपने अपने चॉइस है। तो सर, ये जो चीज़ें जो होता है हाईलाइट जो करते हैं, क्या लगता है ये हाईलाइट करते वक्त कितना ज़्यादा ख्याल बालों का रखना चाहिए? बहुत रखना चाहिए, क्योंकि मैं जब झापा बिरता मोड़ से मैंने जब SLC पास किया, मैट्रिक पास किया था, तब से मैं कलर कर रहा हूँ मेरा हेयर को, ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स हो गया हेयर को कलर करते हुए। इवन अब इस ग्लैमर फील्ड में आने के बाद तो हर एक हफ्ता मुझे चेंज करना पड़ता है। उसके साथ साथ क्या होता है, आपको किस तरह से प्रॉपर एप्लीकेशन करना है, आपको रूट कितना तक छोड़ना है, ये टेक्निक होता है सब। और आपको कलर करने के बाद, कलर रिपेयर होने के लिए, कलर को एकदम हेल्दी रखने के लिए बालों को क्या क्या लाइक टेक्निक्स अपनाना चाहिए, वो चीज़ पे ध्यान देना चाहिए आपको, तो अब आपका बाल सुरक्षित ही रहेगा और एकदम हेल्दी भी रहेगा। सर, देखा जाता है आजकल बहुत सारे लोग हैं जो घर पर ही अपने बालों को कलर करते हैं। आजकल जिनके बाल सफ़ेद होते हैं उनका तो टेंशन नहीं, क्योंकि बाल सफ़ेद हो गया, आप कैसे भी करो कलर करना है ना। लेकिन जब तक बाल पे अगर किसी का तरह का कलर हम नहीं लगाए हैं, नेचुरल अभी बाल का कलर ब्लैक या कोई भी कलर है, नेचुरल कलर है, उस पर जब कोई नया कलर एप्लीकेबल होता है, तो बहुत सारे लोग घर पर बैठकर ही इस चीज़ों को करते हैं, तो वो कितना सही है? देखिए, मैं तो घर से, जब मेरी माँ पहले घर में ही करती थी, उसका बाल सफ़ेद हो गया तो सुपर भस्म ला के वो घर घर में करती थी, तो हमने घर से देख के आए वो चीज़। घर में
शायद आई थिंक माई मम्मी इज सो एक्सपर्ट इन दैट कि वो आज भी मेरा इतना सलून है, आज भी वो सलून जाके नहीं करती है, वो खुद जो पहले का वो टेक्निक से वही अपना के करती है, उसी में खुश है। ओके, लेकिन लेकिन क्या होता है ना, हम लोग का हेयर फॉल का प्रॉब्लम, एलर्जिक प्रॉब्लम, उन लोग को नॉलेज नहीं होता है ना, उन लोग को बस वो सफ़ेद बाल को छुपाना है जैसे करके भी, लेकिन हम कितना मात्रा में हेयर को इंचेज छोड़ना है, कितना डेवलपर डालना पड़ेगा कि रूट में टच करने, और हम लोग का फैशन कलर के लिए डिफरेंट डेवलपर होता है, एक केमिकल होता है, तो हम लोग को कितना मात्रा में क्वांटिटी में वो लगाना पड़ेगा, तो ये सब कुछ ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे आजकल यूट्यूब में देख के, खुद कर रहे थे, बहुत डैमेज कर रहे। कलर की बात छोड़िए, एक ने तो मेरे अभी सैलून में आए थे, पूरा स्ट्रेट किया, पूरा टुकड़ा दिया, वो यूट्यूब में देख के किया, वहाँ करके कौन सा प्रोडक्ट लेके आया, तो आके मेरे सैलून में आया था, तो फिर मेरे उसको अच्छा सा रिमेडी तो दिया। मतलब इस बीच में आपने, आपके सैलून में भी कई सारे ऐसे लोग आए होंगे जो लगातार जो है वो अपने बाल को वापस से हेल्दी करना चाहते हैं, इसको ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो इस तरह के केसेस बहुत आ रहे होंगे आपके पास? हाँ आएंगे। आजकल देखिए हर आपको वर्जिन हेयर मिलना बहुत मुश्किल होता है, आप आजकल क्या होता है 16-17 साल से कलर, हाईलाइट, स्ट्रेट, कैरेटिन, एवरीथिंग दे दू है ना, तो बहुत सारे केमिकल से बाल बहुत डैमेज हो जाता है, तो डैमेज होने के बाद तो क्या करें, कहाँ जाता है, विराम होने के बाद तो डॉक्टर के पास ही जाना है, तो आना तो नील डेविड सैलून में या दूसरे सैलून में, कोई भी सैलून हो, मैं नील डेविड से नाम नहीं ले रहा हूँ, दूसरे सैलून में भी जहाँ भी हो, तो वो हम लोग हेयर का डॉक्टर ही है, तो हमारे पास ही आना, डेफिनेटली दे विल कम टू अस। सर एक चीज़ और देखा जा रहा है कि लोगों में फिलहाल इस बीच में देखा जा रहा है कि हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा समस्या लोगों में आ रही है, शैम्पूस अलग अलग कंपनी के यूज़ करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो क्या रीज़न लग रहा है, ये हेलमेट पहनना है लड़कों में या लड़कियों में, अलग अलग शैम्पू यूज़ करना, तो आजकल का पॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉल्यूशन, हम लोग का इतना पॉल्यूशन होता है ना, पहले का जनरेशन और अभी का जनरेशन में हेयर फॉल अभी ज़्यादा हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉल्यूशन, और हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना भी हो गया ना, रात को बाल साफ क्लीन वाटर से साफ करना चाहिए ताकि वो पसीना नहीं रहना चाहिए आपके, स्वेटिंग जो भी हो वो बहुत डैमेज करता है, उसको बाद में जाके वो ड्राई होके डैंड्रफ बनते जाता है। ओके, तो हम लोग को हेयर एकदम क्लीन रखना चाहिए। तो आपको आजकल क्या होता है, स्ट्रेस से भी बाल झड़ता है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, अभी का कंपटीशन एज हो गया, बहुत लोग 18 साल से, पहले हम लोग का क्या था, माता पिता देते थे मस्त रहो खाओ पियो, अभी का क्या होता है 18 साल से इतना कॉम्पिटिटिव होते हैं ना कि मुझे ये करना है ये करना है, एक लड़का 10 करियर माइंड में डाल के बैठता है, अभी यहाँ फिट नहीं हुआ तो वहाँ फिटूंगा, वहाँ नहीं तो, पहले हम लोग का क्या था, पिताजी ने तुम्हें ये बनना है तो स्टेट हम लोग वही बनना है, लेकिन अभी प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, और आजकल का खान पीन का भी जंक फूड, ऑयली फूड बहुत ज़्यादा, मैं खुद भी मेरे बाल का बहुत ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मैं जंक फूड को बहुत अवॉइड करता हूँ, मैं जंक फूड, ऑयली फूड वो बहुत अवॉइड करता हूँ, तो इसीलिए भी मेरे बाल अभी भी अच्छा ही, इस उम्र में भी, तो इसीलिए बालों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर शैम्पू, आपके बाल किस क्वालिटी के, किस टाइप के, वो सब देखना पड़ेगा, उसी टाइप का कंडीशनर, हेयर स्पा किस तरह का करना है, सब कुछ वो बाल के अकॉर्डिंग टू होता है, और स्किन का भी आप काम करेंगे तो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग टू होता है जी। तो आप देख रहे हैं हमने बिल्कुल अपने बालों के लिए, क्योंकि मैं भी बालों में थोड़ा कलर करके रखा हूँ, और बाकी लोग भी करते हैं, जिनका जिनका जो जैसा चॉइस है वो करते हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं संभाल के रखना, क्योंकि बाल जो है एक अपने चेहरे पर सुंदरता का एक बहुत बड़ा महत्व देता है, जो कि हमें हमेशा इस चीज़ को याद रखते हैं, और इस चीज़ का जो दुख है, जो दर्द है, वो उन लोगों से आप बिल्कुल पूछ सकते हैं जिनके चेहरे के सर के ऊपर बाल नहीं है, तो वो जानते हैं कि कितना बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ों को रिकवर करना, और यही रीज़न है कि जैसे चीज़ों में गए जहाँ पर स्किन के साथ साथ बालों का भी बहुत ख्याल रखा जाता है, और आज के दिनों में होने वाले लोग जो लगातार अपने अनप्रोफेशनल लोगों के पास जाकर या फिर खुद से एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने बालों पर रंग लगाते हैं, कलर लगाते हैं, जो एक बहुत बड़ा दिक्कत का चीज़ है, जो अभी उस वक्त नहीं समझ पाते हैं, समय होने के बाद, कुछ समय बाद जब उनके बाल झड़ने लगते हैं या डैमेज हो जाते हैं तब उन्हें याद आता है, उसके बाद में उसको जहाँ पर वो 100-200 रुपये का जो रंग लगाते हैं उसके ऊपर 20,000-30,000 रुपये खर्चा करने के बाद भी वो अपने नेचुरल बालों को वापस नहीं पा सकते हैं। बस ये एक छोटा सा सर से डिस्कशन था बालों के ऊपर, एक अवेयरनेस थी, एक तरीके से आप सभी के लिए एक अच्छा सा एक चीज़ था जो आप सभी को बताना था कि आप अपने बालों का ख्याल कैसे रख सकते हैं और क्या करें और क्या ना करें। सर से एक लास्ट सवाल पूछें, सर अभी सिलीगुड़ी आप आए हैं, नेपाल से आए हैं, यहाँ पर लगातार आप ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, इस बार क्या मकसद से सिलीगुड़ी पहुँचे? एक्चुअली
मेरे बहुत सारे फ्रेंचाइज आउटलेट ओपनिंग की तैयारी में, एक हैदराबाद में, अभी भी मैंने लखनऊ का साइन आज ही मैंने डील किया हूँ, और जम्मू में मैंने साइन कर चुका हूँ। तो मैंने कलकत्ता में लाइक मिस्टर चंदन पात्रा जो कलकत्ता का मेरा बिजनेस डेवलपमेंट पार्टनर है, उसने ऑलमोस्ट इंडिया के लिए राइट साइन किए, तो उनके साथ भी मेरा बहुत सारे मीटिंग्स है, वो भी 2-3 दिन में आ रहे हैं। तो लाइक अभी इंडिया में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा इंडिया में थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, ताकि मैं एक हिस्ट्री क्रिएट करना चाहता हूँ कि कहाँ मैंने 250 स्क्वायर फीट का सैलून खोला और आज मेरे ब्रांड इंडिया के हर एक कोने में पहुंच रहा है, और यहाँ के इन्वेस्टर भी मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, हमारे ब्रांड को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ के लोगों ने मुझे जो साथ दिए हैं ना, कि नील डेविड्स नेपाल से आया है बोल के नहीं है, नील डेविड का टैलेंट है, टैलेंट ही देखते हैं यहाँ के लोग। तो आई एम वेरी प्राउड कि इंडियन लोगों ने और इंडियन इन्वेस्टर ने और इंडियन का यहाँ सब ने मुझे अपने दिल में एक अलग सा जगह दे दिया है, स्टाइलिस्ट नील डेविड बोल के, वो मुझे सबसे बड़ी खुशी लगता है। और उसके साथ साथ में बहुत लाइक मेरे फाउंडेशन के माध्यम से मैं बहुत को इंडिया का उस साइड में डुअर साइड का, जैसे कि आपने कमिटेड किया था कि मैं फाउंडेशन शुरू करूंगा, कुछ बच्चों को, असहाय बच्चों को आप देंगे, कहीं ना कहीं आज हम अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि आज के दिन मेरे खुद के एक जान पहचान के एक लड़के को आपने मौका दिया फाउंडेशन पे, जो कि अप्रैल महीने शुरू, हाँ उसको अभी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज़ कोर्स फी का मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो जिसके पास नहीं है ड्रीम है, मैं धीरे धीरे कर, सबको तो मैं कर नहीं सकता, धीरे धीरे करके मैं ऑलमोस्ट मैंने नेपाल और इंडिया मिला के अभी तक 200 से ज़्यादा को कर चुका हूँ मैं। और मेरा फाउंडेशन खोलने का मकसद ये था कि 2021 में खोलना था, लेकिन लॉकडाउन ने हम लोग को सबको, मुझे ही नहीं, हम पूरे वर्ल्ड को दराशाही कर दिया, क्योंकि मेरा भी बहुत लॉसेस हुआ। अभी मैं फाउंडेशन शायद 23 या 24 को ही लॉन्च करूँगा, फिर भी इस बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, बीच बीच में साल में 10-15 लड़का लड़की को मैं फ्री में ट्रेनिंग दे रहा हूँ और उनको जॉब भी दे रहा हूँ। अभी आपके सामने एक लड़का को भी मौका मिल गया है, सत्यजीत को भी मौका मिल गया, मैं चाहता हूँ सत्यजीत आगे बढ़े, अगर वो आगे बढ़ के अच्छा काम करेगा तो नील डेविड का नाम ही लेकर चलेगा। तो इसी तरह से हमने अलग अलग जगह का, हम लोग का ये नहीं कि मैं नेपाली हूँ सिर्फ नेपाली को, हर एक लाइक कास्टिज्म, हर एक रिलीजियस, हम लोग को वो मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ प्योरिटी चाहिए। तो ये एक अच्छापन है सर, सिर्फ अपने देश नेपाल के बारे में नहीं, बल्कि हमारे देश भारत के बारे में भी, युवाओं के बारे में सोचें, जहाँ पर आप सभी जानते हैं हमारे देश भारत में फ़िलहाल अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो युवाओं में बेरोज़गारी की समस्या बहुत ज़्यादा है, जो कि एक चैलेंज बना हुआ है हमारे समाज का। लेकिन कहीं ना कहीं नील डेविड सर अपने काम के माध्यम से, अपने जो बिज़नेस के माध्यम से, वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बच्चों को, कुछ लड़कों को, कुछ युवतियों को आत्मनिर्भर बनाएं, उनके पास जो गुण है वो गुण उन्हें देकर, उसे सिखाकर अपने पास भी वो रख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छे व्यक्ति का गुण होता है, जो खुद भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़कर लेके चलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े थे, थोड़ा समय आपने दिया, अपना कीमती समय हमें दिया, और हमारे सभी दर्शकों को जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं अगली किसी वीडियो में हम जरूर मिलेंगे, और आगे के डेवलपमेंट के, आगे के स्टेटस के बारे में हम बिल्कुल साझा करेंगे। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? थैंक यू वेरी मच। मैं दर्शक को क्या कहना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में अनट्रेंड अनप्रोफेशनल के पास मत जाइए, बाद में आपको पछता के बहुत सारा खर्च करना पड़े। तो आप, हम लोग से नहीं, सिलगढ़ में बहुत सारा क्वालिफाइड स्टाइलिस्ट है, बहुत सारा क्वालिफाइड मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत क्वालिफाइड स्किन एक्सपर्ट है, उनके पास जाइए, उनके राह सलाह लीजिए, तो डेफिनेटली आपको सही सलाह मिलेगा, जहाँ एक्सपर्ट होंगे आपको दो शब्द अच्छा ही मिलेगा, तो आपका पैसा भी बचेगा। लास्ट में आपको जाके पछता के मेरा बाल खराब हो गया, मेरी स्किन खराब हो गया, मेरा मेकअप खराब हो गया बोल के रोने से अच्छा है आप पहले एक एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, आप सभी दर्शकों का खबर आजकल देखने के लिए, हमें सुनने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन विशाल के साथ मैं अमर शाह, आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आप देख रहे हैं खबर आजकल, बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम बनेंगे आपकी आवाज। आपके आसपास कोई दुर्घटना हो या घटना, या फिर कोई समस्या, या आपके घर पर कोई टैलेंट छुपा हो, या फिर कोई स्टोरी, तो उसे आप हम सभी के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूले, और हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें, और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह लगातार अपना प्यार हम पर बनाए रखें और देखते रहे खबर आजकल। इसी तरह लगातार खबर आजकल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब घर बैठे अपने घर को बनाएं कलरफुल कर्मा कर रेंट सन्स के साथ।
जो आपको आपके एक कॉल पर देती है सेफ होम पेंटिंग्स की सुविधा। कोरोना काल में अपने आप को रखे सुरक्षित। एशियन पेंट्स के नॉर्थ बंगाल के बिग डीलर कर्माकर एंड सन्स रिटेल्स की सुविधा होलसेल प्राइस पर दे रहा है, तो आज ही संपर्क करें दिए गए नंबर 9832355111 पर।